हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI एग्जाम 2020 में। तो दोस्तों, आज हमारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की 10वीं क्लास है। नई क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और आज की क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछ जाने के चांस रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपकी बार ITI में स्टूडेंट की बहुत सारी बैक आई हुई है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सोचा है कि आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए जाएँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर ITI एग्जाम के लिए ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन होता है घंटी का निशान, आप उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई क्लास लाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है। NCVT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका चालक, बी है आपका आंतरिक अर्धचालक, सी है आपका इंसुलेटर या डी बाहरी अर्धचालक। चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंसुलेटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन आया था कि विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। राइट आंसर बताइए दोस्तों, NCVT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और ऑप्शन ए है इसका तांबा, बी है एल्यूमिनियम, सी चांदी या डी सीसा। चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीसा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लाया हूँ आपके लिए, ये सारे मैंने आपके बुक से ही उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए आज। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं, तो इनको अच्छे से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि आकृति के आधार पर कितने प्रकार के केबल होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति के आधार पर केबल का प्रकार है। राइट आंसर बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि फ्लैट केबल भी होते हैं और गोलाकार केबल भी होते हैं। ये दो प्रकार होते हैं केबल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चालक पदार्थ के आधार पर केबल का प्रकार है। चालक पदार्थ के आधार पर केबल का प्रकार है। राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका कॉपर केबल, बी है फ्लैट केबल, सी है दो कोर केबल, डी है तीन कोर केबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर केबल। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि एक विद्युत रोधी पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए। NCVT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है निम्न ब्रेकडाउन वोल्टेज, बी है उच्च प्रावैद्युत सामर्थ्य, सी है कम शिथिलता या डी आर्द्रता ग्राही। राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। NCVT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रावैद्युत सामर्थ्य उसका मूल गुण होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युतीय परिपथ में प्रयुक्त एल्यूमिनियम चालक का न्यूनतम आकार होता है। NCVT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए है 1 स्क्वायर मिलीमीटर, बी है 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर, सी 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर या डी 4 स्क्वायर मिलीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता क्या होती है। राइट आंसर बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए है अधिक धारा चालन, बी है कम यांत्रिक क्षमता या सी उच्च डाई इलेक्ट्रिक क्षमता या डी कम गलनांक। NCVT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च डाई इलेक्ट्रिक क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। NCVT 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रबड़, बी है तांबा या सी इबोनाइट या डी बैकेलाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है। NCVT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कि ऑप्शन ए है कोई परिवर्तन नहीं होता, बी तार अधिक धारा वहन करता कर सकता है या सी तार कम धारा वहन कर सकता है या डी तार कोई धारा वहन नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार कम धारा वहन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि काली टेप का कार्य दो केबलों के जोड़ का उपयोग के लिए होता है। किसके लिए होता है काली टेप का उपयोग।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमी से सुरक्षा के लिए काली टेप का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। तो दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बार बार रिपीट हुआ है, मैंने देखा है ये अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है और सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लकड़ी के बने हुए हैमर को क्या कहते हैं, यानी कि हम जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, मैलेट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो किया जाता है और सबसे आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ। ठीक है, मैंने ये जो इस क्वेश्चन था वो मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में भी सेंड किया था, आपने देखा होगा। तो अच्छा है क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं होगा। तो लकड़ी के जो हैमर होता है उसको क्या बोलते हैं, मैलेट बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस क्लास में कंप्लीट करवाए। आगे से हम ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है, और अलग अलग चैप्टर के चैप्टर वाइज हम जो आपके क्वेश्चन हैं वो हम कम्प्लीट करते जाएंगे। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नज़दीक होगा, तब मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट भी लाऊंगा, तो उसमें जो मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई क्लास लाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद।